हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बी एस एंटरटेनमेंट। माय नेम इज रिजवान और अभी हम आ चुके हैं अकील बरबरी गोट फार्म पे और मिलते हैं इस गोट फार्म के ऑनर से अकील भाई से। अकील भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बदवार में। सबसे पहले अपने फार्म का नाम और एड्रेस बताइए। फार्म का अकील बरबरी गोट फार्म, उत्तर प्रदेश मथुरा, बाउंड्री नौ नंबर गेट। कब से काम कर रहे हैं आप इस फील्ड में? माशाल्लाह काफी दिन से काम चल रहा है। काफी दिन, अभी कितने जानवर होंगे अपने पास में? मान के चलो अपने फार्म पे नॉर्मल से 100 जानवर रहते हैं। 100 जानवर हमेशा रहते हैं। तो इस वीडियो में जानवर देखने वाले हैं। आप ये आप किस उम्र से कर रहे हैं आप इस काम को? मान के चलो करीब 15 साल हो गए। 15 साल हो गए इस फील्ड में आए हुए आपको? 15 साल से आप काम कर रहे हैं। तो कहाँ कहाँ देश के किस कोने पे आप माल पहुँचा चुके हैं? ऑल इंडिया जाता है, सब पूरी हिंदुस्तान में जाता है। और कोई ट्रेन से लेना चाहे, एक दो पीस लेना चाहे? ट्रेन से भी हम दे देते हैं पार्सल करा के अपना। और अपना जो फार्म है रजिस्ट्रेशन जी, GST नंबर देख रहा हूँ मैं, रजिस्टर गोट फार्म है अकील बरबरी गोट फार्म से। कौन कौन सी नस्लों पे आप काम करते हैं? अपना बरबरी पे ज्यादा, बरबरी, सुरोही, सुरोही, गुजरी, जमुनापारी, बीटल, जकराना, सोजत, तोतापरी और ईद के खस्सी बकरे भी आप प्रोवाइड कराते हैं? कुछ छोटे बच्चे जो होता है 4 महीने का, 5 महीने का, उसको भी हम वो भी प्रोवाइड कराते हैं। खाने में पूछ लो बकरी का, खाने में क्या क्या देते हैं आप चारे में? चारे में सर जी हम देते हैं जैसे अपना गेहूं का भूसा होता है, उसमें चोपड़ मिला के दे देते हैं। बहुत अच्छे से खाती हैं चोपड़ मिला के। जैसे उसमें मक्का का दाना आप वो भी दे सकते हैं जी। और जैसे सूखे दलहनी भूसे में जैसे आपके पास चने का भूसा है वो भी आप खिला सकते हैं। ग्वार का भूसा सर्दी में आप वो भी दे सकते हैं। जो चना का छिलका आता है वो भी खिला सकते हैं। अच्छा, लेकिन मान के चलो 70% जो दलहनी भूसा होना चाहिए सूखने। आप दलहनी भूसे में सबसे ताकतवर कौन सा भूसा आता है? सबसे ज्यादा दलहनी भूसे में जो होता है चने का भूसा अपना अच्छा होता है। और कितने रुपए किलो मिल जाता है वो? आपको मान के चलो 1000 रुपए क्विंटल के हिसाब से। 10 रुपए किलो? हाँ 10 रुपए किलो। 10 रुपए किलो आपको वो मिल जाएगा, इजीली मार्केट में मिल जाएगा जी जी। कौन कौन से क्षेत्रों में मिल जाता है वो? जी तुम्हारे MP में, राजस्थान में काफी मिल जाएगा। और यूपी में? अपने पूरे यूपी के अंदर मिल जाएगा? हाँ यूपी के अंदर, पूरे यूपी के अंदर मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, और अपनी ट्रांसपोर्ट की गाड़ी जैसे कि मान लो बिहार, कलकत्ता, आसाम, डिब्रूगढ़ और इधर पूर्वांचल में जाने भेजते हैं आप? हाँ बिल्कुल जा सकता है अपना माल चार। और इधर कश्मीर, हिमाचल, पंजाब वगैरह में हर जगह जा सकता? हर जगह जा सकता। और ट्रेन से सुविधा कहाँ कहाँ के लिए? ट्रेन से हम पार्सल करा देते हैं। जो जानवर अगर दो एक कोई मांगता है 2 से 3 जानवर तो उनके भी पार्सल करा के पहुँचा। और बकरी का स्टार्टिंग प्राइस कितने से स्टार्ट है अपने पास से? बकरी का अपना देखो 9000 रुपए का अपना प्राइस है जी। बरबरी बकरी का बड़े फ्रेम में 9000 रुपए पर पीस में। 9000 रुपए पर पीस से स्टार्टिंग है बरबरी बकरी का? 9000 रुपए की बकरी इसमें होगी? 9000 रुपए बकरी है अपनी जी। पका लाना कोई बकरी। अच्छा, तो वो गाभिन होगी 9000 वाली? हाँ जी, लोडेड मिलेगी। लोडेड मिलेगी? कितना लीटर दूध होगा लगभग उसके नीचे? उसके नीचे मान के चलो 1 से 1.5 लीटर दूध दे देती है बकरी, बरबरी में लोडेड में। अच्छा, और बकरी बच्चे कितने टाइम में देती है? बच्चे सर मान के चलो बकरी साल में 2 बार भी आती है। साल में 2 बार बच्चे देती है जी। कितने कितने बच्चे एक बार में? एक बार में अगर फर्स्ट में होगी तो 1 देगी जी, और सेकंड टाइम पे आएगी तो 2 देगी। 2 देगी तो साल में आपको 4 बच्चे मिल जाएंगे जी, जो 2000-4000 बकरी जी। अपनी बकरी है बरबरी माशाल्लाह, इसका आर्डर देगी आप जी। बकरी का आर्डर अच्छा होना चाहिए जी, दूध पे भी तो तभी दूध देगी। और बच्चों की भी क्षमता अच्छी करती है अपने पालने में, बहुत अच्छी वो करती है, बच्चों में अच्छी रहती है बरबरी। और छोटे कद काठी की होती है, कम जगह में आ जाती है जी, कम जगह में ये सेट हो जाती है माशाल्लाह, जगह में ये सेट हो जाती है। और जैसे आप 2-4 बकरी ऐसे कोई अपने घर पे भी रखना चाहता है तो भी सक्सेस हो जाता है। अभी जैसे बरसात का सीजन चल रहा है तो इस सीजन में बकरी को क्या खिलाना चाहिए जिससे वो बीमार ना पड़े? देखो इस समय ज्यादातर देखो जानवर को अपने को वैक्सीन करा के रखी, वैक्सीनेशन करा के रखें प्रॉपर, क्योंकि वैक्सीन में सबसे पहले कराया जाता है PPR। हाँ फिर ETFM भी कराया जाता है, क्योंकि ये वैक्सीन जरूरी है बरसात में। इससे क्या है मुँह में जो छाले आते हैं, पाँव में आती है, जो परेशानी आती है, तो वहीं कंट्रोल में रहेगी, कंट्रोल में रहता है जी। और दाने में कौन सा खिलाना चाहिए सुबह शाम में? दाना में आप मक्का का दाना दो सबसे बढ़िया, सुबह में ठीक रहता है, शाम में? शाम के टाइम दे दो 3 बजे के बाद। अच्छा, 12 बजे के बाद दे दो आप हरे चारे में। जिसे 3 बजे के बाद देंगे तो शाम तक वो डाइजेस्ट हो जाएगा, और रात में देंगे अंधेरे में देंगे, मतलब रात 7 बजे या 5-4 बजे ज्यादा शाम के टाइम में, मतलब 2 दफे में आप थोड़ा बहुत जौ का दाना दे दो, एक जानवर को करीब 150 से 200 ग्राम जी, तो वो डाइजेस्ट इजी कर लेगा। हाँ, आसानी से उसको चल। सेंधा नमक का जो ढेला होता है जी, जो सेंधा नमक का जो ढेला होता है जी, उसको आप अपने फीडर में डाल दो तो जानवर
उससे पाचन होता रहे, पाचन होता रहा, जुगाली करता रहता है वो जी। अच्छा, और खस्सी बकरे जो ईद की तैयार करते हैं लोग, अभी तो ईद निकल गई है तो वो उसके लिए क्या दिया जाए जो उसका वजन गेन अच्छा हो? उसके लिए जैसे देखो जो जो लेबर जो लीवर टोनिक लेबर जो होता है वो लगाना चाहिए, मतलब लीवर टोनिक आप कह रहे हैं कि सातों दिन देने चाहिए या फिर एक दिन छोड़ के देने चाहिए? नहीं, अगर दो चार दिन उसको, पाँच चार दिन मान के चलो आप दे सकते हैं बराबर गैप के बाद। अच्छा, लीवर टॉनिक जरूरी देना है जिससे लीवर उसका अच्छा रहेगा, डाइजेशन अच्छा होगा, जो माल खिलाएंगे वो लगेगा, लगेगा बॉडी को लगेगा। और ये लीवर वाली बात ही कई लोगों के मुंह से सुन चुका हूँ जो बकरे तैयार करते हैं हमारे शहर में, जो आप बकरे तैयार करते हैं वो लीवर टॉनिक एक दिन के बाद, एक दिन के बाद एक दिन चलाते हैं, आज दिया कल छोड़ के परसों दिया, फिर लगातार चलाते हैं। दे दो आठ दिन चार दिन आप उसको जानवर जो एकदम अपने, और एक दिन हफ्ते में एक दिन डाइट का रेस्ट लेते हैं, मतलब जौ चल रही है, गेहूँ चल रहा है या मक्का चल रहा है तो छह दिन चलाएंगे, एक दिन उसको जानवर को सिर्फ सूखा चारा या गीला चारा देंगे, बिल्कुल उसको चारा नहीं देंगे जिससे वो जानवर सेट हो जाए, डाइजेशन कर ले उसको, पचा ले। और जैसे छुट्टी रखते हैं पेट की, एक दिन की छुट्टी रखते हैं ताकि रेस्ट मिले हाथों को पेट को, जिससे डाइजेशन में उनकी प्रॉब्लम ना आए। और लीवर टॉनिक सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहता है लीवर के लिए, किडनी के लिए, अपने जो डाइजेशन होता है पेट पेट में हाथों के लिए, इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है वो, और उससे वेट गेन में आसानी रहती है। तो माशाल्लाह से शकील भाई हमारे थे, लास्ट में अपने फार्म का एड्रेस बता दीजिए। अपना फार्म का सर अपना उत्तर प्रदेश मथुरा रिफाइनरी नौ नंबर गेट, अकील बरबरी गोट फार्म, अकील बरबरी गोट फार्म। कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर अपना 9761750299। यही व्हाट्सएप नंबर है? ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और मेरा बैनर पे लगा हुए दोनों नंबर जी। ठीक है, अगला बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। और किसान भाइयों को जो अपना जो जानवर चाहिए एनिमल जी, तो उनको आप दे सकते हैं जी, कम से कम रेट में उनको जो अपना एक लंबे समय लेके काम को बढ़ा जी, आपसे जुड़े लंबे टाइम तक आपके साथ में काम करें, और कहीं पे भी हिंदुस्तान में एक दो पीस लेने वाले चाहते हैं तो वो एक दो पीस आप पसंद कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसका रेट लीजिए, अमाउंट आपके अकाउंट में डालिए, बेझिझक होके आपकी बिल्टी आपकी आईडी पे बनेगी, आप उसको ट्रेन से पार्सल करा देंगे, बकायदा उसका वीडियो भी आपको लगाएंगे कि आपका माल ये ट्रेन में चढ़ गया है, पार्सल होने के लिए तैयार है, और काफ़ी हमारे आपके परिवार के ज़्यादातर सदस्य लगे रहते हैं इसमें, आपके भतीजे भाई भांजे वगैरह सभी लगे रहते हैं इसमें और सब मिल के काम करते हैं, और माशाल्लाह काफ़ी टाइम से काम, आपके पापा भी काम करते थे ना ये जी? तो क्या नाम है आपका पापा का? पापा का नाम है सर हमारे का हाजी सत्तार। हाजी सत्तार, अच्छा माशाल्लाह हज भी कराए हैं माशाल्लाह से, हाजी सत्तार साहब के साहबजादे हैं अकील साहब। तो ठीक है अकील भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।